الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون برادران اسلام ديني أو ملي بهايو دوستو ورساتيو ساتيو الله رب العالمين هم سبكو अपनी मार्फत नसीब फरमाए अल्लाह रबालमीन ने यह फरमाया है वमा कदर अल्लाह हक कदर इन नाहनजारों ने अल्लाह रबाल के मकाम और मरतबे को पहचाना ही नहीं जिसकी वजह से मुर्दों को अल्लाह रब्लारमीन का हक देते हैं इन मिलदीन ने अल्लाह रबालमीन की मार्फत हासिल ही नहीं की इसी वजह से ये मुर्दों की दुहाई देते हैं मुर्दों को पावरफुल बनाते हैं और अल्लाह के हकूक पर अल्लाह बल आरम की कुदरत पर डाका डालते हैं हमारे सामने ये अहमद नक्शाबंदी का वीडियो है जिसमें ये बयान कर रहा है कि वली का पावर इतना है कि किसी को बेटा देना चाहे बेटा दे दे किसी की मौत को रोकना चाहे तो मौत को रोक दे किसी को दौलत देना चाहे तो दौलत दे दे वली की जुबान में यह तासीर होती है वली कह दे मौत भी मनसूख हो जाती है वली कह दे तूफान रुक जाता है वली कह दे औलाद हो जाती है वली कह दे बलाए टल जाती है वली कह दे मुसीबतें हट जाती है वली कह दे मरने वाले को जिंदगी नसीब हो जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सब इख्तियारात अपने पास रखा है किसी मुर्दे को ये इख्तियार नहीं दिया है मौत जिससे हर इंसान दो चार हुआ है और होगा हुआ है और होगा अब मुर्दा के पास क्या पावर है मुर्दा तो बेचारा दो कंधे का मोहताज है मुर्दा बेचारा गुस्सल दिलाने का मोहताज है मुर्दा बेचारा कबर खोदने वाले का मोहताज है मुर्दा बेचारा कबर में एंट्री कराने वाले का मोहताज है मुर्दा तो मुहताज है और मुहताज को मुख्तार बना रहा है ये लानक का सबब है तमाम कुफार मुल्दी मुशरकिन इसी तरह से अपने बनाए हुए बुतों को अपने बनाए हुए दरख्तों को अपने बनाए हुए मबूदों को इस तरह से इख्तियारत और पावर दिया करते हैं आज मैं सिर्फ एक पॉइंट पर आप लोगों की तोज्जो मरकूज करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रबीन ला ने फरमाया की आयत नंबर एक सौ पैतालीस है के अल्लाहबीन के हुक्म के बगैर कोई मर ही नहीं सकता है जब अल्लाह रबालमीन का हुक्म हो जाएगा तो कोई टाल भी नहीं सकता है देखो अल्लाह रबालमीन ने सूरत मुनाफिक आयत नंबर ग्यारह में बयान फरमाया है वल्ला मौत की घड़ी आ गई तो कोई टाल नहीं सकता है ये मुर्दा को बोलता है कि मुर्दा टाल देता है मुर्दे को जिंदा कर देता है अरे वो मुर्दा ही कैसा मुर्दा है वो मकबूर ही कैसा मकबूर है वो मदफून ही कैसा मदफून है वो मिट्टी के अंदर कैसे चला गया है जो इतनी कुत और ताकत और पावर रखता है कि मरने वाले को जिंदगी दे दे लाहौल वाला कुत बिल्ला रब की बात मानोगे या चंडाल की बात मानोगे मुसलमानों तुम बताओ चंडाल की बात मानोगे या रब की बात मानोगे अल्लाह रबी ने फरमाया वले कुल्ले उम्मतन अजल

कुरान को मानोगे या इस झूठे अय्यार और मक्कार और गद्दार की बात मानोगे अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सोचो जरा सा सूरत अल हिजर है आयत नंबर चार और पांच है वमा अहलकना मिन करियत इल्ला वलहा किताब मालूम मा तस्बिकु मिन उम्मत अजलहा वमा यस्ताखिरून अल्लाह अकबर जिसकी मौत की घड़ी आ गई उसको कोई ताल नहीं सकता है तो कौन वली है वली किसको बोल रहा है वली के बारे में अल्लाह आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता है इन मुत्तकून अल्लाह आलमीन के औलिया कौन है मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं अब तकवा इल्म किसके पास है अल्लाहयुब के पास है अल्लाह आलमीन के अलावा कोई भी नहीं जानता कौन मुत्तकी है कौन परहेजगार है कौन अल्लाह का वली है और कौन शैतान का वली है कौन अल्लाह का वली है और कौन शैतान का वली है इसलिए कि जाहिर कुछ और है बातिन कुछ और है ऊपर कुछ और है और अंदर कुछ और है इसलिए अल्लाह रबालमीन ने फरमाया कि अल्लाह रबालमीन के अलावा कोई भी नहीं जानता के कौन अल्लाह का वली है यहाँ तक के में से बाज़ बाज़ ने बाज के बारे में कहा यह तो जन्नती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा विक तुम्हें क्या मालूम तुम्हें कैसे मालूम जब सहाबा को मालूम नहीं तो ऐरे गैरे नतु खैरे को मालूम हो सकता है कि फला वली है जिसको चाह इन चंडालों ने वली बना दिया है, यहाँ तक के घोड़े को भी वली बनाया गधे को भी वली बनाया खोते को भी वली बनाया बिलाई को भी वली बनाया न जाने किन किन चीजों को इन लोगों ने वली नहीं बनाया यहाँ तक के नंगी शाह को भी वली बना दिया भंगी शाह को भी वली बना दिया और पूरे को पावर दे दिया अल्लाह हमें इन चंडालों के चंडाल चौकड़ी से महफूज रखे